अगले कॉलर हमारे साथ कौशल है अगरतला से. कौशल गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना. मैडम मेरा यूनियन बैंक से सवाल है. पूछिए. मैं 600 से प्राइस लिया था 112 रुपया में. ठीक है, तो अभी क्या करो, होल्ड करो या बेच दो? ठीक है विवेक, क्या करना चाहिए? 600 शेयर्स यूनियन बैंक के 112 के प्राइस पर, 120 पर है, 8 रुपए का मुनाफा लेकर बाहर आ जाएं या फिर होल्ड रखें? अभी इन्हें होल्ड करना चाहिए क्योंकि अगर 124 के ऊपर यूनियन बैंक सस्टेन होता है तो फर्दर 135 से लेकर 136 के लेवल्स देखे जा सकते हैं. तो होल्ड करें और इन्हें रिवाइज स्टॉप लॉस में जो दूंगा वो 113 रुपये का दूंगा, तो इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा. ऊपर में 135 से लेकर 136 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सोचें. और अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर निखिल पलवान सांगली से. नमस्कार निखिल, आपका सवाल पूछिए. मैंने जैन इरिगेशन के 65 के भाव पे 100 शेयर लिए है. मेरा लॉन्ग टर्म का देश है. कब होल्ड करना चाहिए कैसे? श्योर, आपको राय दिला देते विवेक वेरी क्विकली. जेन इरिगेशन 100 शेयर्स एट 65 के लेवल पर, रादर एम्फसाइज ऑन द इरिगेशन सेक्टर फ्रॉम दिस बजट एलोकेशन और 55.60 इज द करंट मार्केट प्राइस. कौन कौन से लेवल दिखा सकता है जेन इरिगेशन? जैन इरिगेशन की अगर मैं बात करूं तो जो ब्रॉडर रेंज है वो 45 से लेकर 80 के लेवल्स हैं जहां से हमें बार बार इस स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलता है. 45 का लेवल जैन इरिगेशन हमने देखा है कि 3 से 4 साल में हमेशा ये इस लो से ही बाउंस होता है. मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. इस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमेशा एक अच्छी बाइंग देखने को मिलती है. ऊपर में 75 से 80 के लेवल्स टेक्निकली फिर से पॉसिबल है, तो मैंने सलाह दूंगा कि 45 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें. ऊपर में 75 से 80 का लेवल अगर मिलता है तो उस रेंज के आसपास ही प्रॉफिट बुक करने की सोचें. जी अगले कॉलर हैं एसडी बजाज बेंगलुरु से. बजाज साहब नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना. बजाज साहब क्या सवाल है आपका? चलेंगे फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं. टेक महिंद्रा पर इनका क्वेश्चन है. 150 शेयर्स हैं 550 के प्राइस पर. क्या करना चाहिए विवेक? नजर इनका मालूम नहीं है पर 550 के लेवल पर टेक महिंद्रा होल्ड करते हैं. 450 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान में है. टेक महिंद्रा में पिछले 2 से 3 दिन में रैली देखने को मिली है पूरे मार्केट के साथ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेयरिश है. मैंने ये सलाह दूंगा कि ऊपर में 490 से लेकर 500 की रेंज देखने को मिलती है तो उस रेंज में लॉस बुक करके निकल जाएं, क्योंकि ये जो रैली है वहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है और वहाँ से फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. तो 490 से लेकर 500 की रेंज में एग्जिट करने की सलाह दूंगा. अभी पूरी पोजिशन में 430 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं. जी चलिए, राय आपको दी गई है, लेकिन इस बीच मार्केट्स को देखें तो अच्छी मजबूती मार्केट्स में अभी भी बनी हुई है. अब निफ्टी 90 पॉइंट्स की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है. 7460 के लेवल्स देखे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली पार्टिसिपेट आज कर रहे हैं मेटल्स. आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी खरीदारी दिखी है. ऑटो स्टॉक्स भी सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में आई है. बैंकों की ओर से पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन मेटल्स, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हेल्थ केयर कुछ पॉकेट से सिलेक्टेड जिस ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं. आशीष कुकरेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे.